चंपा और चमेली नाम की दो जुड़वा बहनें अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो लोग बहुत गरीब थे और एक पुराने झोपड़े में रहते थे। दोनों बहनें रोज मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचा करती थी। इसी से उनके परिवार का गुजारा होता था। फिर एक दिन दोनों बहनें जंगल के रास्ते शहर जा रही थी, तभी अचानक एक शेर उन पर हमला कर देता है। शेर से बचने के लिए दोनों बहनें तेजी से भागने लगती हैं। इसी दौरान उनके सर पर रखी टोकरियां जमीन पर गिर जाती हैं, जिससे उनकी सारी मिट्टी के बर्तन टूटकर चिकनाचूर हो जाती हैं। अपना नुकसान देख दोनों बहनें दुखी होकर रोने लगती हैं। तभी अचानक जादुई झाड़ू में उड़ती हुई एक जादूगरनी उनके पास आकर कहती है, क्या हुआ? लगता है तुम दोनों बहुत परेशान हो। देखो, मैं लोगों की मदद करने वाली एक अच्छी जादूगरनी हूँ। तुम दोनों की हालत पर मुझे बहुत तरस आ रहा है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मेरे घर पर एक जादुई कुआं है, उसके अंदर ढेर सारे सोने के सिक्के हैं। तुम दोनों जितने चाहे उतने सिक्के निकाल सकती हो। चलो अब मेरी जादुई झाड़ू पर बैठ जाओ। ये सुनकर दोनों खुश होकर जादूगरनी के साथ उसकी जादुई झाड़ू पर बैठ जाती हैं। उसके बाद जादूगरनी उन दोनों को हवा में उड़ाकर अपने घर ले जाती है। फिर दोनों बहनें सोने के सिक्के निकालने के लिए कुएं के अंदर उतर जाती हैं। लेकिन तभी अचानक कुएं के अंदर मौजूद सांप उन दोनों को काट लेता है। फिर देखते ही देखते चंपा का शरीर पूरी तरह सोने में बदल जाता है। दूसरी तरफ चमेली पूरी तरह चांदी की बन जाती है। ये क्या हो गया? हम दोनों सोने और चांदी में कैसे बदल गई? जादूगरनी आंटी, ये सब क्या है? मैंने तुम दोनों को बेवकूफ बनाया है। दरअसल मुझे दो गुलामों की जरूरत थी, इसीलिए मैंने ये चाल चली थी। आज से तुम दोनों लोगों को मार कर उनका दिल निकाल कर मेरे पास लाओगी। अब तुम दोनों चाहे कुछ भी कर लो, मेरे खिलाफ नहीं जा सकती। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम दोनों जलकर राख हो जाओगी। इस तरह जादूगरनी उन दोनों को पूरी तरह अपने जाल में फंसा लेती है। फिर अगले दिन से वो दोनों बहनें ना चाहते हुए भी लोगों को मार के उनका दिल निकाल कर जादूगरनी को देने लगती हैं। इस तरह देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, सुनो, पास वाली नदी के किनारे एक बड़ा महल है। उस महल में रहने वाले दोनों राजकुमारों का दिल मुझे चाहिए। चलो तुम दोनों जल्दी से जाओ और राजकुमारों को मार कर उनका दिल ले आओ। जादूगरनी का हुक्म पाते ही दोनों बहनें महल में पहुंच जाती हैं। उसके बाद वो दोनों चुपके से राजकुमारों के कमरे में दाखिल हो जाती हैं। दोनों राजकुमार गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन दोनों बहनें जैसे ही राजकुमारों की ओर बढ़ती है कि तभी अचानक राजकुमारों के चारों तरफ एक बड़ा कवच प्रकट हो जाता है। तभी दोनों राजकुमारों की नींद खुल जाती है। लगता है तुम दोनों हमें मारने आई हो, लेकिन हमारा ये महल पूरी तरह जादुई है, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगी। इतना कहकर दोनों राजकुमार अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। लेकिन तभी चंपा और चमेली उन दोनों राजकुमारों को जादूगरनी के बारे में बताकर अपनी मजबूरी का दुख रोने लगते हैं। अच्छा तो ये बात है, उस बुरी जादूगरनी ने तुम दोनों को अपने बस में कर रखा है। ठीक है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वो राजकुमार अलमारी में रखी जादुई सुराई निकालकर उसका पानी दोनों बहनों के ऊपर डाल देता है। फिर देखते ही देखते उनके शरीर पर मौजूद सोने और चांदी पूरी तरह पिघल कर बह जाते हैं और दोनों बहनें फिर से अपने असली रूप में आ जाते हैं।
चलो भैया अब उस बुरी जादूगरनी को सबक सिखाते हैं, वरना वो इसी तरह मासूम को परेशान करती रहेगी। फिर दोनों राजकुमार अपनी जादुई घोड़े पर सवार होकर जादूगरनी के घर पहुंच जाते हैं। दोनों राजकुमारों को देख जादूगरनी हैरान रह जाती है। इससे पहले कि जादूगरनी कोई हरकत कर पाती, दोनों भाई अपनी थैली से बर्फ के जादुई गोले निकालकर जादूगरनी के ऊपर फेंकने लगते हैं। फिर देखते ही देखते जादूगरनी बर्फ की मूर्ति में बदल जाती है। अब ये दुष्ट जादूगरनी जिंदगी भर इसी तरह बर्फ की मूर्ति बनी रहेगी। अब इससे किसी को कोई खतरा नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। उसके बाद उन दोनों राजकुमार भाइयों की चंपा और चमेली से अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद दोनों भाई चंपा और चमेली से शादी कर लेते हैं। इस तरह दोनों बहनों की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है और वो अपने माता पिता के साथ आलीशान महल में हंसी खुशी रहने लगती हैं। बहुत समय पहले परिदेश में एक घमंडी रानी राज करती थी। उसे जो भी चीज पसंद आती वो उसे किसी भी कीमत पर हासिल करके रहती थी। रानी परी के इस बर्ताव के कारण वहाँ की सभी परियां बहुत दुखी थी। रानी परी के महल से थोड़ी दूर हरि नाम का एक नौजवान रहता था। रानी परी हरि को बहुत पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन रानी परी के दुष्ट स्वभाव के चलते हरि रानी परी से नफरत करता था। हरि, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, अभी भी वक्त है, मेरी बात मान लो वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। तुम मेरा स्वभाव अच्छी तरह जानते हो, जो भी मेरे खिलाफ जाता है मैं उसे सबक सिखा कर ही रहती हूँ। मुझे इन धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस जन्म में तेरी जैसी बुरी परी से कभी शादी नहीं करूँगा। इतना कहकर हरि वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हरि पृथ्वी पर रहने वाली संजना नाम की लड़की से प्रेम करता था। कुछ दिनों बाद हरि और संजना दोनों शादी कर लेते हैं। देखते ही देखते कई महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन संजना दो खूबसूरत परियों को जन्म देती है। अपनी बेटी को परियों के रूप में देख संजना और हैरी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इस तरह उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन जब हैरी काम से घर वापस लौट रहा था, तभी रानी परी के सिपाही परियां उसे पकड़कर रानी परी के पास ले जाती हैं। तूने मेरे खिलाफ जाकर पृथ्वी की मामूली लड़की से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मैं तुझे इसकी सजा दूंगी। रानी परी हरि को कारागार में बंद करवा देती है। दूसरी तरफ जब ये बात संजना को पता चलती है, तो अपने पति को आजाद करवाने के लिए वो रानी परी के महल में पहुंच जाती है, लेकिन तभी दरवाजे पर खड़ी दो पहरेदार परियां से रोक लेती हैं। सुनो, मैं जानती हूँ तुम हैरी की पत्नी हो, देखो इस वक्त तुम रानी परी के पास मत जाओ, वरना तुम्हारे पति के साथ साथ वो तुम्हें और तुम्हारी दोनों बच्चियों को भी बांदी बना लेगी। हाँ, तुम रानी परी का गुस्सा नहीं जानती, वो बहुत ही खतरनाक है। देखो रानी परी किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है, तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। इस तरह वो दोनों परियां संजना को वापस भेज देती हैं। दूसरी तरफ संजना बेचारी अपने पति के गम में उदास रहने लगती है। धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं और संजना की दोनों परी बेटियां जवान हो जाती हैं। संजना की दोनों बेटियां जब भी उसे हरि के गम में रोती हुई दिखाई देती तो उन दोनों को बहुत बुरा लगता। अब हम दोनों बड़ी हो गई हैं, हमें किसी भी तरह अपने पिता को रानी परी के चुंगल से छुड़वाना होगा, वरना एक दिन हमारी माँ हमारे पिता के गम में मर जाएगी। हाँ, तूने सही कहा, लेकिन रानी परी बहुत शक्तिशाली और चालाक है, उससे निपटने के लिए हमें बड़ी होशियारी से काम लेना होगा। इस तरह दोनों परियां अपने पिता को आजाद कराने का मन बना लेती हैं।
फिर एक दिन वो दोनों बहनें व्यापारी का भेष बनाकर रानी परी के दरबार में पहुंच जाती हैं। रानी जी, हमारे पास खास तरह की जादुई लड्डू हैं, जिन्हें खाने से कोई भी अपने शरीर का आकार जितना चाहे उतना बड़ा बना सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। मैं अभी तुम्हारे लड्डू खाकर तुम्हारी बात की आजमाइश करना चाहती हूँ। फिर वो दोनों बहनें रानी परी के सामने लड्डू से भरा एक डिब्बा रख देती हैं। रानी परी बिना सोचे समझे जल्दी से ढेर सारे लड्डू खा लेती है, लेकिन अगले ही पल रानी का शरीर छोटा होने लगता है और थोड़ी ही देर में रानी परी एक चूहिया की तरह छोटी हो जाती है। अरे नहीं, इन दोनों परियों ने मेरे साथ धोखा किया है, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तभी उन दोनों बहनें रानी परी को पकड़कर एक कांच की बोतल में बंद कर देती हैं। तेरे जैसी धोखेबाज के साथ धोखा करना कोई गलत बात नहीं है। तूने हमारे माता पिता को दुख देकर उन्हें खून के आंसू रुलाए हैं। अब हम दोनों तुझे तेरे बुरे कर्मों की सजा देंगी। रानी परी अपने दरबार में मौजूद परियों से मदद के लिए कहती है, लेकिन रानी परी से सभी परियां परेशान थी, इसीलिए उसे कैद में देख सभी परियां बहुत खुश होती हैं। उसके बाद वो दोनों बहनें अपने पिता को आजाद करा देती हैं। फिर महल की सभी परियां उन दोनों बहनों को राजगद्दी पर बैठाकर वहां की रानी बना देती हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। वो दोनों परी बहनें अपने माता पिता के साथ महल में हंसी खुशी रहने लगते हैं।